कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस को आड़े हाथों लिया है, लेकिन ये बयान अभी के नहीं है। कांग्रेस ने जो वीडियो शेयर किया है ये उस वक्त का है जब पेरिस के बाद राहुल गांधी नॉर्वे के यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत में लोकतंत्र कमजोर हो गया है, सब कुछ बदल गया है। भारत में आज आबादी के एक बड़े हिस्से को बोलने की आज़ादी नहीं है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। यूरोप दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत का कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहला, हम देश के तमाम संस्थानों पर आरएसएस को कब्जा नहीं करने देंगे। दूसरा, देश में 2-3 व्यावसायिक घरानों के एकाधिकार के कारण देश के 200 मिलियन लोग गरीबी में चले गए हैं, जो अस्वीकार है। तीसरा, सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र पर अधिक खर्च करना चाहिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विचारधारा पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि देश महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध और गुरु नानक की विचारधाराओं का देश है, मैं इसके लिए लड़ता हूं। पीएम मोदी सिर्फ एक विचारधारा का बचाव करते हैं, यह स्वीकार नहीं है। इंस्टीट्यूशंस आर कैप्चर्ड बाय द आरएसएस, द एजेंसीज सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैव बीन वेपनाइज्ड, दे attack those who resist the ideology of the BJP. So, we are no longer fighting your regular political contest. We are actually now fighting the architecture of the Indian state. Which means that the techniques we used earlier, interviews, conversations like this, they're not available to us anymore. It might surprise some of you. You might have noticed that you've seen me talking to students in the United States, you've seen me talking to students in France, you are seeing me here talking to you. I can't do this in India. I'm physically not allowed to enter Indian universities, as are most of our opposition leaders. If we try to go into a university in India, we find that the vice chancellor belongs to the RSS, and he makes it very clear to us that discussion is not acceptable inside Indian universities. नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ हालिया संवाद के दौरान राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि भारत में सारी संस्थाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित हैं, सीबीआई, ईडी और आयकर जैसी एजेंसियों को हथियार बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया आगे ऐसा नहीं होने देगा। राहुल गांधी हाल ही में यूरोप के दौरे पर गए थे। दौरे के दौरान वे नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर बात की, जिसका वीडियो अब कांग्रेस ने गुरुवार को जारी किया है। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अब भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए लड़ रहे हैं, वे देश का बचाव कर रहे हैं, और जिस दिन यह बचाव बंद हो जाएगा उस दिन मैं कहूंगा कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा। मुझे ऐसा लगता है कि हम यह लड़ाई जीतेंगे। इंडिया स्टिल डेमोक्रेसी, इंडियाज डेमोक्रेसी इज अंडर सीवियर असॉल्ट एंड अटैक। इंडिया इज ऑल्सो डिफेंडिंग इट्स डेमोक्रेसी। It's a difficult job, but it's doing so. When that defense stops, if it stops, then I will say India is not a democracy anymore. But there are still many, many people who are contesting the attack on the democratic structure. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।